रोज ग्लो चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं रोज आना आप लोगों के साथ वीडियोस में कुछ ना कुछ नया शेयर करती रहती हूँ, खुद भी यूज करती हूँ, आप लोगों को भी बताती हूँ, ताकि मेरी भी स्किन ग्लोइंग और ब्यूटीफुल रहे और आपकी भी पूरे विंटर्स भर। तो फ्रेंड्स, आज भी ऐसा ही कुछ नया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कच्चे दूध के बारे में हम पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। कच्चा दूध मैजिकल रिजल्ट्स देता है आपको विंटर्स में। तो आज जो क्रीम हम तैयार करने जा रहे हैं उसे हम कच्चे दूध से बनाएंगे। ये इतनी ब्यूटीफुली आपकी स्किन पे काम करेगी, आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करेगी, ग्लोइंग बनाएगी, आपकी डलनेस ड्राइनेस को फिनिश करेगी, टैनिंग को रिमूव करेगी, आपकी स्किन को बढ़िया तरीके से क्लेंस करेगी, टाइटन और ब्राइटन करेगी। तो एक क्रीम से आपको इतने सारे फायदे मिलने वाले हैं। पर जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि नेचुरल चीज़ें मैजिक तभी करती हैं जब आप उन्हें रेगुलरली यूज़ करें। तो आपको भी इस क्रीम को रोज़ाना रात में इस्तेमाल अपने चेहरे पे करना पड़ेगा, तभी आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके से हमने ये क्रीम बनाई, क्या क्या यूज़ किया। सारी डिटेल्स मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल, क्योंकि हम इसे क्रीम फॉर्म में बना रहे हैं तो इसलिए हमें एलोवेरा जेल एज अ बेस इंग्रेडिएंट चाहिए। तो 1 चम्मच एलोवेरा जेल में आप 1 चम्मच कच्चा दूध ऐड करेंगे और सबसे पहले आपको इन दोनों ही चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने से क्या होगा, एक तो किसी तरीके के लम्स नहीं रह जाएंगे, दूसरी चीज़ एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, और जब आप बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें धीरे धीरे करके ऐड करेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स होंगे। अब देखिए, क्रीमी टेक्सचर आपको मिल चुका है, अब आप इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ग्लीसरीन। ग्लीसरीन भी हमारी स्किन को बढ़िया तरीके से हाइड्रेट करती है और हील करती है विंटर्स में। साथ में हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून गुलाब जल, बढ़िया फ्रेगरेंस देगा, आपकी स्किन के एक्ने पिंपल्स को फिनिश करेगा, और 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स जो इसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाएंगे और इस क्रीम में मिलकर के ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देंगे आपको। तो अब ये क्रीमी टेक्सचर तैयार हो चुका है, अब हम इसे अपने पूरे फेस पे सबसे पहले अप्लाई कर लेंगे, जैसे हम कोई फेस पैक लगा रहे हों। और उसके बाद में फेस पे अच्छे से इसको अप्लाई करने के बाद आपको 10-15 मिनट्स बढ़िया मसाज देनी है अपने फेस पे। अगर आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ भी मसाज दीजिए, अपर डायरेक्शन में इस क्रीम से मसाज दीजिए, ताकि आपकी स्किन ऊपर की तरफ लिफ्ट हो और बढ़िया हाइड्रेशन के साथ साथ आपकी स्किन टाइटन और ब्राइटन भी हो। तो इस तरीके से मसाज देते हुए जब आपको लगे कि आपकी स्किन अच्छे से गर्म हो गई है और जितनी क्रीम आपको चाहिए थी उतनी आपने यूज़ कर ली है, तो आप बाकी की कॉटन के क्लॉथ से या किसी वाइप से वाइप आउट कर दीजिए। आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी स्किन शाइन करेगी, ग्लो करेगी, और रेगुलरली जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। आपने कितनी आसानी से घर पे हमने क्रीम तैयार की। फ्रेंड्स, इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो आपको बाजार से खरीद के लाना पड़े। एलोवेरा, ग्लीसरीन, विटामिन ई के कैप्सूल्स, गुलाब जल और साथ ही साथ हमने इसमें ऐड किया है कच्चा दूध। फ्रेंड्स, यहाँ पे कच्चे दूध का इस्तेमाल हमने इसलिए भी किया है ताकि हमारी स्किन पे वो जो एक स्मूथनेस, जो एक सॉफ्टनेस फिनिश हो जाती है विंटर के सीज़न में, वो भी आपको इस क्रीम से मिलने वाली है। आपकी स्किन बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाएगी इस क्रीम को इस्तेमाल करने से। यहाँ पे हमने ग्लीसरीन का भी इस्तेमाल किया है लगभग 1 टीस्पून के करीब। जिनके एक्ने पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं, वो ग्लीसरीन की क्वांटिटी को 1/2 टीस्पून कर दीजिए और इस क्रीम को बनाइए। फ्रेंड्स, ये क्रीम इतनी नेचुरल है कि इसे छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, ये उनकी स्किन पे भी नुकसान नहीं। इसे एज अ क्रीम उनके फेस पे अगर लगा देंगे तो उनके फेस पे भी नुकसान नहीं करने वाली। 10-12 साल के हमारे बच्चे छोटे घर में होते हैं जिनकी स्किन भी बहुत ड्राई होने लग जाती है सर्दियों के मौसम में, तो आप उनके फेस पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, इतनी नेचुरल है। और एक बार आप बनाइए पूरे हफ्ते का बैच, और पूरे हफ्ते के बैच को बनाइए और इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। रोज़ाना रात में आप इसे यूज़ करिए। यूज़ करने के बाद आपको सिर्फ वाइप आउट करना है इसे अपने फेस से, या किसी कॉटन के कपड़े से या वाइप से। आपको इसे वॉश नहीं करना। वॉश करने से वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जो मैं आपको देना चाहती हूँ इस क्रीम के साथ में। जब आप सुबेरे उठ के अपने फेस को वॉश करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी स्किन जगह जगह से बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, स्मूथ हो गई, हाइड्रेटेड हो गई, ग्लोइंग हो गई। तो फ्रेंड्स,
मैंने तो आपको बता दिए इस क्रीम के रिजल्ट्स, क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ। आप भी जाइए यूज करिए और देखिए क्या रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। वो रिजल्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आप भी एक्सपीरियंस करिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो लगी होगी आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी, और ये अमेजिंग सी क्रीम आप अपने घर में बनाएंगे, यूज करेंगे और अपने व्यूज करेंगे मेरे साथ शेयर, साथ ही साथ करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को भी लाइक करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।